एक कहावत है कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। बहुत से लोगों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि वह अपनी एक पत्नी से ही परेशान हो जाते हैं और कई लोगों को दो शादियां करते हुए भी देखा होगा। मगर आज हम जिस शख्स की आपको बात बताने जा रहे हैं उसने एक दो तीन नहीं बल्कि 8 शादियां की हैं। दरअसल थाईलैंड के एक शख्स की 8 पत्नियां हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि वह सब एक साथ और एक ही छत के नीचे रहते हैं। थाईलैंड के रहने वाले आंग डैम सोरोट सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी चर्चाओं में है। वह एक टैटू आर्टिस्ट है। आंग चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि आंग की 8 पत्नियां हैं और सभी वह एक ही घर में रहते हैं। आपको लगेगा कि सभी औरतें एक दूसरे से चिढ़ती होंगी मगर ऐसा नहीं है, उन सब में आपस में बेहद प्यार है। यही नहीं, वे सभी ओंग से भी बहुत प्यार करती हैं और उसे दुनिया का सबसे सज्जन शख्स मानती हैं। ओंग से जुड़ी सबसे मजेदार बात यह है कि वह किस तरह अपने पत्नियों से मिले। हर बार उन्हें पहली नजर में प्यार हुआ और मिलने की जगह भी बेहद अजीब थी। पहली पत्नी नंग स्प्राइट से ओंग अपने एक दोस्त की शादी में मिले थे। पहली नजर में उन्हें नोंग से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। नोंग एल शख्स की दूसरी पत्नी है जिससे वह बाजार में मिले थे। तीसरी पत्नी नोंग नैन से ओंग अस्पताल में मिले थे। वहीं अपनी चौथी पांचवी और छठी पत्नी से ओंग की मुलाकात इंस्टाग्राम फेसबुक और टिकटॉक पर हुई थी। एक बार ओंग अपनी माँ के साथ प्रसिद्ध मंदिर गए थे जहाँ उनकी मुलाकात सातवीं पत्नी नोंग फिल्म से हुई थी और आठवीं पत्नी नोंग माई से वह छुट्टियों के दौरान मिले थे जहाँ उनकी अन्य पत्नियां भी उनके साथ में थी। आठों पत्नियों ने बताया कि ओंग उन सबको एक समान प्यार करते हैं और उनका बेहद ध्यान रखते हैं। उन सबके बीच आपस में कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं होता। सोशल मीडिया पर लोगों को लगता है कि ओंग काफी पैसे वाले हैं इसलिए उन्होंने इतनी शादी कर ली, मगर ये सच नहीं है। सारी ही पत्नियां छोटा मोटा बिजनेस कर पैसे कमाती हैं। ओंग ने अपनी पत्नियों से साफ कह दिया है कि वह कभी भी उनसे कुछ न छुपाए। अगर उन्हें किसी और मर्द से प्यार हो जाता है तो वह उसे खुलकर बता सकती है। यही नहीं, अगर उन्हें तलाक भी देना चाहती है तो उन्हें साफ साफ बता दे, उसके बाद उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। थाईलैंड का यह शख्स अपनी शादियों को लेकर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है।